की रिफिल के पीछे इस तरीके के ट्रांसपेरेंट जेल को क्यों दिया जाता है। और आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले रैप सॉन्ग को सुनने वाले हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर दुबई को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को ही बैन क्यों करना पड़ा? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो मॉल दिख रहा है उसे इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अजीबोगरीब मॉल माना जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस मॉल में दिख रही हर एक चीज फेक है। असल में दोस्तों इस मॉल का नाम फेक ग्रोसरी स्टोर और ओमेगा मार्ट है, जो कि यूएसए के लास वेगास में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज की रेप्लिका को पिलो, प्लास्टिक और खाली कैंस का इस्तेमाल करते हुए बनाकर तैयार किया गया है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस मॉल के नाम बहुत से अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी किया गया है। सच में सर चकरा देने वाला। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आमतौर पर एक स्कूल 6 से 8 घंटों तक लगता है, लेकिन क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जो कि 6 से 8 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटों तक लगता है। असल में दोस्तों राजस्थान के चुरू में मौजूद एक स्कूल सुबह 4 बजे लग जाता है जबकि इसकी छुट्टी रात 10 बजे होती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस स्कूल में बच्चों के खाने से लेकर सिलेक्टेड टाइम तक आराम करने की सारी ही सुविधाएं दी गई हैं। असल में दोस्तों इस स्कूल का कुछ ऐसा मानना है कि अगर बच्चों को डिसिप्लिन के साथ सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाएगा तो उनका आगे आने वाला भविष्य काफी ज्यादा सुधर सकता है। वैसे आप एक स्कूल में जाकर कितने घंटों तक पढ़ सकते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रैपिंग आर्ट को लेट 70s में लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को कहां से चुराया गया था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ बेहद ही अमेजिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 1940 में रिकॉर्ड किया गया था और ये सबसे पहली बार था जब द जुबलेरीज नाम के एक बैंड के द्वारा रैपिंग को परफॉर्म किया गया था। तो गाइस इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिनेमा घरों में हमें प्रीमियम सीट लेने के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर यही चीज सिनेमा घरों से निकलकर स्कूल पर अप्लाई हो जाए। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया के एक लॉ के अनुसार उनके सभी स्टूडेंट्स को अपनी फीस के अलावा डेस्क चार्ज भी पे करने पड़ते हैं, जिसके चलते हुए क्लास की आगे वाली सीटों को काफी ऊंचे दाम पर बेचा जाता है जबकि क्लास की पिछली सीट को काफी कम दाम पर। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब और गलत है जहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लास में सीट और बेंच के पैसे भी पे करने पड़ते हैं। वैसे आपकी इसके ऊपर क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आज की ऑनलाइन दुनिया में कुछ भी खरीदा और बेचा जा सकता है और उसी की टच पर क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नीदरलैंड के 21 वर्षीय सिटीजन ने कुछ और नहीं बल्कि ऑनलाइन अपनी सोल यानी कि आत्मा को ही 30,000 रुपए में बेचने के लिए डाल दिया। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उनकी सोल को खरीदने के लिए लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने बोली को लगा डाला, जिसके बाद सिटीजन अब ये सोचने में बिजी है कि एक्चुअली में उन्हें अपनी सोल किस इंसान को बेचनी है। वास्तव में ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में ऑलमोस्ट सभी यूएसए सोल्जर्स अपने साथ वॉर में कैंडीज को लेकर जाते थे, लेकिन आखिर एक वॉर में कैंडीज का क्या काम? असल में दोस्तों ये कुछ इस तरीके की कैंडीज थी कि जिन्हें जैसे ही चबाया जाता था ये एक स्टिकी स्लाइम की तरह काम करना शुरू कर देती थी, जिसके चलते हुए किसी भी व्हीकल की मेटलिक बॉडी में आए क्रैक को कुछ इस तरीके से हैंड टू हैंड रिपेयर किया जा सकता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की यूनिक सी टेक्निक उस समय यूएसए के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जिसकी लत देखते ही देखते बड़ी आसानी से लग जाती है, फिर वो चाहे एक इंसान हो या फिर एक जानवर। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन यूएसए के लिंकिन पार्क में एक ऐसा गोरिल्ला भी मौजूद था जिसको कि स्मार्टफोन की लत बहुत बड़े स्केल पर लगी हुई थी और वो पूरा ही दिन कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम पर फीमेल गोरिल्ला की वीडियोस को देखता रहता था। अजीब बात ये थी दोस्तों कि जब भी इस गोरिल्ला से स्मार्टफोन को दूर किया जाता था तो ये एग्रेसिव होकर जू के कर्मचारियों पर ही अटैक कर दिया करता था। और वास्तव में यही चीज हमें कहीं ना कहीं रियलाइज कराती है कि एक स्मार्टफोन हमारी जिंदगी के साथ क्या क्या कर सकता है। फैक्ट नंबर 13। दूसरी सीरीज में मैंने आपको पानी की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिखाई थी, लेकिन क्या आपको बताया कि जब हम नहाने जाते हैं और उसके बाद जो भी पानी हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कहानी कुछ ज्यादा ही रंगीन
बन जाती है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्ट में आए पानी की माइक्रोस्कोपिक वीडियो देख रही है और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे हमारी स्किन के ऊपर मौजूद ऑयल, डस्ट और बैक्टीरिया की वजह से ये पानी हमें कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा कलरफुल और ऑसम सा दिखाई देता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 12। इस दुनिया में हर एक शख्स इस बात का ख्याल रखता है कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिसके चलते हुए उसे जेल की हवा खानी पड़े। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि जानबूझकर जेल की हवा खाने के लिए दूसरे लोगों को हजारों रुपए पे करते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। स्वागत है आपका लैटविया के कैरोस्टा प्रिजन होटल में, जो कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर मेहमानों के साथ एक कैदियों के जैसा व्यवहार किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहां पर गेस्ट को खाना और उनके कमरों को भी कुछ इस तरीके से जेल की कोठरियों की तरह ही बनाकर तैयार किया गया है और यही चीज इस होटल को बाकी के होटलों से कुछ अलग, कुछ ज्यादा ही दिलचस्प भी बना देती है। फैक्ट नंबर 11। हम सभी जानते हैं कि एक चॉपर को उड़ाना बच्चों का काम बिल्कुल भी नहीं है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन पायलट्स को घंटों घंटों सिमुलेटर्स के अंदर बैठाकर चॉपर्स को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब इन तरीके के सिमुलेटर्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे, तब एक पायलट को एक चॉपर को उड़ाने की ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी? असल में दोस्तों उसके लिए कुछ इस तरीके के एक डमी हेलीकॉप्टर को बनाकर तैयार किया जाता था, जो कि एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इस तरीके से रोटेट करके एक सिलेक्टेड एरिया तक आगे और पीछे जा सकता था और इसी मॉडल के अंदर बैठकर एक पायलट को कुछ इस तरीके से चॉपर्स को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। सच में दिलचस्प। फैक्ट नंबर 10। आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा डिसऑर्डर भी मौजूद है जो कि आपकी टंग को एक जीते जागते बैलून में ही कन्वर्ट कर सकता है। असल में दोस्तों ये एक मसल डिसऑर्डर है जिसके चलते हुए कोई भी इंसान जरा सा ही प्रेशर लगाकर अपनी टंग को कुछ इस तरीके से एक बैलून के जैसे ब्लू कर देता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि इसके अभी तक हमारे सामने सिर्फ 2 केस ही आए हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस वीडियो क्लिप और इस डिसऑर्डर को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि नशे में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर एक अदालत को अपना फैसला देने से पहले जानबूझकर ही नशा करना पड़े। असल में दोस्तों एंशियंट पर्शियन साम्राज्य में जब किसी अदालत को कोई भी फैसला लेना होता था, तब उस फैसले को लेने के बाद जानबूझकर वो नशा किया करते थे और अगर दोनों ही कंडीशनों में उनका फैसला समान रहता था तो उस लॉ या फिर डिसीजन को पारित कर दिया जाता था और वास्तव में ये कानून व्यवस्था अपने आप में कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अक्सर हम ये सुनते हैं कि हॉलीवुड लोगों को ये ऑफर करता है कि अगर वो बिना डरे उनकी हॉरर मूवी को पूरा देख ले तो उन्हें इनाम के तर्ज पर लाखों रुपए पे किए जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे देश भारत की वो सबसे पहली ऐसी कौन सी मूवी थी जो कि देश में इसी कॉन्सेप्ट के साथ आई थी? असल में दोस्तों साल 2008 में रिलीज हुई फूक मूवी भारत की सबसे पहली ऐसी मूवी थी जिसने ये अनाउंस किया था कि अगर किसी इंसान ने थिएटर में बैठकर इसे पूरा देख लिया और उसकी हार्ट बीट एक सर्टेन रेट से ऊपर नहीं गई तो उसे पुरस्कार के तर्ज पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि मूवी तो खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन हाँ इस सेक्टर में ये मूवी देश की सबसे पहली मूवी जरूर बन गई। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों भारत में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है और उसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में बिहार का एक शख्स एक बेहद ही यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ सामने आया है। असल में दोस्तों बिहार के मिथिलेश कुमार कुछ इस तरीके से टाटा नैनो या फिर वैगनार कार को मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से उन्हें एक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे भी ज्यादा यूनिक बात यह है दोस्तों कि आगे चलकर इन्हीं कार्स को किसी भी शादी में भेजकर दूल्हे की कार की तर्ज पर इनसे लाखों रुपयों को भी अर्न किया जाता है और वास्तव में ये बिजनेस मॉडल अपने आप में यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों एक वो दौर था जब हमें स्पीकर्स ले जाने के लिए काफी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती थी, फिर एक दौर वो भी आया कि हम बेहद ही आसानी से उन्हें हाथ में कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो वहीं क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आगे आने वाले समय में आप अपने स्पीकर्स को फोल्ड करके अपने वॉलेट के अंदर भी ले जा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों अभी हाल ही में MIT के रिसर्चर्स के द्वारा कुछ इस तरीके के एक फ्लेक्सिबल पेपर स्पीकर को बनाकर तैयार किया गया है जिसे बेहद ही आसानी से फोल्ड करके कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है दोस्तों ये पेपर जिस भी सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है ये एनर्जी का यूज करके उस सरफेस को भी एक बड़े स्पीकर में कन्वर्ट कर देता है और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी अपने आप में फ्यूचरिस्टिक जरूर है। फैक्ट नंबर 5।
क्या तुम्हें पता है कि विश्व की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा जिस काम को पिछले काफी लंबे समय से नहीं कर पा रही थी उसे अभी हाल ही में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने करके दिखाया है। असल में दोस्तों इसरो ने अभी हाल ही में मंगल की नेचुरल सॉइल और यूरिया का यूज करते हुए एक ऐसी यूनिक स्पेस ब्रिक को बनाकर तैयार किया है जिसका की इस्तेमाल मंगल ग्रह पर बिल्डिंग्स को बनाने में किया जा सकता है और वास्तव में ये कारनामा किसी अजूबे से कम नहीं है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 4। करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको बताया कि अभी हाल ही में 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में एक साथ 78,220 राष्ट्रीय ध्वजों को लहराकर भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है और उसी के साथ ही हमारे देश भारत के नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 3। आखिर नासा चांद को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता था? असल में दोस्तों अभी तक इस बात पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि क्या वास्तव में नासा ने कभी भी चांद को डिस्ट्रॉय करने का एक प्लान बनाया था या फिर नहीं। वहीं क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में सामने आए एक 1600 पेजेस के गुप्त डॉक्यूमेंट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि एक्चुअली में नासा ने चांद को पूरी तरीके से खत्म करने का एक प्लान बनाया था और उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो चांद पर मौजूद कुछ लाइट मेटल्स को कैरी करके बहुत बड़े अमाउंट पर अर्थ पर ला सके जिसके बाद उन मेटल्स को अरबों खरबों रुपए में बेचा जा सके। हालांकि इस काम को जिस संस्था को दिया गया था कुछ इश्यूज के चलते हुए उस संस्था ने इस काम को किया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो वास्तव में इसका रिजल्ट कुछ ज्यादा ही भयानक जरूर होता। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 2। वही को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को बैन क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों जहां ये पूरी ही दुनिया हर दिन ब्रॉड माइंडेड होती हुई चली जा रही है तो वहीं क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में दुबई से एक ऐसी खबर भी हमारे सामने आई जिसने इस पूरी दुनिया को हिला दिया। असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी लेकिन दुबई और बहुत से सऊदी देशों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को पूरे ही तरीके से बैन कर दिया है क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया एक कैरेक्टर ये है और इस मूवी में इस बात का जिक्र भी किया गया है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सऊदी अरब के सेंसर बोर्ड ने मार्वल स्टूडियो से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस कैरेक्टर के कुछ सिलेक्टेड सीन्स को मूवी से ही डिलीट कर दें। लेकिन जब मार्वल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो इन द लास्ट इन कंट्रीज ने इस मूवी को अपने देश में रिलीज के लिए कोई भी सर्टिफिकेट ही नहीं दिया और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है जहां पर इस छोटी सी चीज के चलते हुए एक मूवी को ही पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 1। पेन की रिफिल में इंक के पीछे कुछ इस तरीके के ट्रांसपेरेंट जेल को क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी जेल पेन की रिफिल के अंदर हमें कुछ इस तरीके का जेल देखने को मिलता है, लेकिन आखिर एक रिफिल में एक जेल का काम ही क्या है? असल में दोस्तों इनिशियल स्टेज पर जब जेल पेंस को बनाकर तैयार किया गया था तो उनकी रिफिल में इस तरीके के जेल को नहीं डाला जाता था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जेल पेन की इंक बेसिकली एक वाटर जेल बेस होती है जिसमें कलर पार्टिकल्स को डाला जाता है और इस इंक की एक बेहद ही यूनिक टेंडेंसी भी होती है जिसके चलते हुए ये ग्रेविटी के हिसाब से बेहद ही आसानी से फ्लो कर सकती है। अब अगर इस कंडीशन में अगर उस जेल पेन को उल्टा कर दिया जाएगा तो ये इंक बेहद ही आसानी से रिफिल से बाहर आकर आपके कपड़ों को खराब कर सकती है और इनिशियल स्टेज पर ऐसा होता भी था। साथ ही साथ बहुत सी बार पेन को कम इस्तेमाल करने की सिचुएशन में ये इंक अक्सर सूख जाया करती थी जिससे बड़ी बड़ी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफी ज्यादा घाटा हो रहा था और इन्हीं सबसे निजात पाने के लिए इस सिलिकॉन जेल का आविष्कार किया गया जो कि इतना ज्यादा थिक होता है कि ये पेन की रिफिल के अंदर एक ऐसे वैक्यूम को क्रिएट कर देता है जिसके चलते हुए ना ही इंक रिफिल की बैक साइड से बाहर आती है और ना ही वो कभी भी सूख पाती है। इनफैक्ट ये जेल इंक को एक तरीके से पेन की टिप की तरफ पुश करके पेन की टिप को भी कभी भी सूखने नहीं देता और हम आसानी से लास्ट तक उस रिफिल का इस्तेमाल कर पाते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर पेन की रिफिल में इस जेल को क्यों डाला जाता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारे गाइस जितना ज्यादा बांटा जाए उतना कमेंट इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपने नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।